वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। YouTube में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बैकअप चैनल। मेरा नाम सुमेधा ग्रेवी है और ज्योग्राफी के सेशन में हम डिस्कस कर रहे थे एफर्ट्स जितने भी इंटरनेशनली टेकन हुए हैं, मतलब जितने भी लिए गए हैं हमारे एनवायरनमेंट के लिए, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, उन सारे समिट्स, प्रोटोकॉल्स, कॉन्फ्रेंसेस, एग्रीमेंट्स, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ रहे थे। लास्ट में हमने क्या डिस्कस किया था, दोहा क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस जो आपकी हुई थी 2012 में, इसमें भी यही थे जो डेवलपिंग कंट्रीज उनके सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए और नए इंस्टीट्यूशंस बनाए जाएँ जो क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट पे जो है बेस्ड हुए, पूरे एक तरीके से हम क्या कहेंगे एनवायरनमेंट के लिए ही जो है ये सारे के सारे कॉन्फ्रेंसेस हुए। फिर आपका आता है नेक्स्ट वारशो क्लाइमेट चेंज, ये कब होता है 2013 में, द मेन आउटकम ऑफ द मीटिंग वाज़ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉन्फ्रेंस इंटरनेशनल मैकेनिज्म फॉर द लॉस एंड डैमेज एसोसिएटेड विद द क्लाइमेट चेंज। इसका मेन मोटिव क्या था, एक कॉन्फ्रेंस रखी जाए इंटरनेशनल, मतलब एक कॉन्फ्रेंस रखी जाए जो इंटरनेशनली लॉस और डैमेज हुआ है क्लाइमेट चेंज को उन सब के लिए, ठीक है, उस सब पे ध्यान देने के लिए ये जो है कॉन्फ्रेंस रखी गई थी वर्ल्ड ऑफ क्लाइमेट चेंज 2013 में। फिर आता आपका लीमा क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 2014, प्लेजेस वेयर मेड बाय बोथ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज दैट टुक द कैपिटलाइजेशन ऑफ द न्यू ग्रीन क्लाइमेट फंड विद एन इनिशियल $10 बिलियन टारगेट। अब इसमें क्या होता है, ये थोड़ा सा याद रखने वाला चीज़ है कि इसमें क्या है, प्लेज लिया गया बोथ जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो उन्होंने भी लिया और जो डेवलपिंग है उन्होंने भी लिया कि जो कैपिटलाइजेशन जो न्यू ग्रीन जो है क्लाइमेट फंड बना था उसके कैपिटलाइजेशन के लिए उसमें इनिशियल अमाउंट क्या रखा गया, $10 बिलियन का टारगेट रखा गया, ठीक। फिर आते हैं पेरिस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस जो कि हुई थी आपकी 2015 में, अ लॉन्ग टर्म गोल ऑफ कीपिंग द इंक्रीज इन ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर टू वेल बिलो द 2 डिग्री सेल्सियस अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल। इसमें क्या था, जो हमने पहले क्या देखा था, पहले हमने देखा था ना कि हम एक कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें क्या था कि हम जो है प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 2 डिग्री सेल्सियस हमें क्या रखना है टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर हमें कम रखना है, ये हमारा गोल था तो उसको मेंटेन रखना है, और डेवलप्ड कंट्रीज विल रेज फाइनेंस टू द ट्यून ऑफ $100 बिलियन पर ईयर हैज द फ्लोर बाई 2020। और जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो जो आपका इनिशियल फंडिंग है उसको इंक्रीज करके $100 बिलियन करेंगी पर ईयर जो है बाई 2020 तक। ये थे आपके इंपॉर्टेंट सारे कॉन्फ्रेंसेज रिलेटेड टू क्लाइमेट और इकोसिस्टम के। अब आ जाते हैं कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग क्या होता है, द थ्योरी ऑफ कार्बन डेटिंग वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन 1970 बाई यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी, ठीक है, किसके द्वारा, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी के द्वारा 1970 में इंट्रोड्यूस कराई गई थी क्या, कार्बन ट्रेडिंग, ठीक है। ऑल नेशंस फॉलो इट आफ्टर क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है, आफ्टर क्योटो प्रोटोकॉल सभी नेशंस इसी को फॉलो करते हैं। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव वॉज टू एनकरेज इंडस्ट्रीज टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या था कि कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन जो है वो लो कराए, उसके लिए ये मतलब इंडस्ट्रीज जितनी हो सके उतना कम से कम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करे। अब गवर्नमेंट रेगुलेटरी एजेंसीज लिमिट द कैप ऑन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस व्हिच इज मेजर्ड इन टन्स, ठीक है। इसका थोड़ा पॉजिटिव रिजल्ट भी आया था कार्बन ट्रेडिंग का। तो कार्बन ट्रेडिंग क्या है, 1970 में इंट्रोड्यूस की गई थी यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी के द्वारा। इसका मेन एम क्या है, टू एनकरेज द इंडस्ट्रीज टू रिड्यूस द कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, ठीक। फिर आते हैं हॉट स्पॉट ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग। अब क्या है, रिसेंटली द इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज क्लियरली वॉन्ट दैट द होल अर्थ इज इन ट्रबल ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग द प्लेसेज वेयर इकोसिस्टम हैज बीन बैलेंस सिंस अ लॉन्ग टाइम मे बी एडवर्सली अफेक्टेड बाई इट। अब रिसेंटली क्या हुआ, गवर्नमेंट पैनल ने क्या देखा है कि पूरा का पूरा अर्थ ही जो है ट्रबल में है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, और वहाँ पर जहाँ पर इकोसिस्टम बैलेंस था बहुत सालों से या बहुत टाइम से वो भी एडवर्सली इफेक्ट हो रहा है इन सब चीज़ों की वजह से। द साइंटिस्ट मार्क सच प्लेसेज एट द हॉट स्पॉट ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग, और उन जगहों को साइंटिस्टों ने क्या किया है, हॉट स्पॉट बनाया है ग्लोबल वार्मिंग का। द नंबर ऑफ सच स्पॉट्स हॉट स्पॉट इज प्रेजेंटली 20, टोटल कितने हैं अभी तक, इतने ये हॉटस्पॉट 20 हैं। अब वो कौन कौन सी जगह है, मेल्टिंग ऑफ द ग्लेशियर्स इन ग्रीनलैंड, रॉकी माउंटेन, अलास्का रीजन इन नॉर्थ अमेरिका एंड द इफेक्ट ऑफ थर्मल वेव्स इन टेक्सास आर इंक्लूडेड इन देम। तो कौन कौन से एरियाज कवर हैं, ग्रीनलैंड के जो ग्लेशियर्स हैं, रॉकी माउंटेन है, अलास्का रीजन इन नॉर्थ अमेरिका के, ये सारे क्या थे, ये सारे बिल्कुल बहुत टाइम से जो है एकदम बैलेंस पोजिशन में थे, पर अब ये भी क्या हो रहा है, इफेक्ट हो रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग से, ठीक है। तो ये सब भी उन 20 हॉट स्पॉट्स में से एक है।
ठीक, तो हमने आज क्या क्या डिस्कस किया है, कार्बन ट्रेडिंग डिस्कस की है और जो हॉट स्पॉट्स मेनली हैं आपके ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, उन सारे को डिस्कस किया है। आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं, आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कीजिए, और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।